पलवल के महाराणा प्रताप भवन में आगामी 25 फरवरी को शाम 7 बजे से जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, युवा वेलफेयर एसोसिएशन एवं महाराणा प्रताप भवन के संयुक्त तत्वाधान में थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों के सहायतार्थ हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध कवि दिनेश रघुवंशी, प्रवीण शुक्ला, महेश अजनबी, अनिल अग्रवंशी, सोन रूपा विशाल मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। इस हास्य कवि सम्मेलन का उद्देश्य थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों की मदद करना है। कवि सम्मेलन में पंचवटी मंदिर के महंत कामता दास जी महाराज एवं पलवल अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश कुमार मीना एवं गणमान्य लोग थैलेसीमिक रोग से ग्रस्त बच्चों को शुभाशीष एवं उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए किसी भी तरह का शुल्क का प्रावधान नहीं किया गया। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। हास्य कवि सम्मेलन में जिले के सभी श्रोताओं को जन स्वास्थ्य शिक्षा समिति एवं युवा वेलफेयर एसोसिएशन आपको सादर आमंत्रित करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, सेक्रेटरी जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति पलवल, जो कि अपना ब्लड बैंक चलाती है और 35 थैलेसीमिक बच्चों को मुफ्त रक्त हर महीने देती है। हम लोग युवा वेलफेयर एसोसिएशन और महाराणा प्रताप भवन के साथ मिलकर एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जो आने वाले शनिवार 25 तारीख को शाम 7 बजे से महाराणा प्रताप भवन में होगा। इसमें महंत कामता दास जी, ADCM हितेश कुमार जी और काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्ति बतौर अतिथि उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि थैलेसीमिक बच्चों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनका उत्साह बढ़ाएं और उन्हें आशीर्वाद दें।